हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का सोशल साइंस का यूनिमैक्स क्विकी सैम्पल पेपर। तो ये काफ़ी बच्चों की जो है डिमांड आ रही थी, काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे यूनिमैक्स रॉकेट और एक्यूरेट सैम्पल पेपर के लिए। तो आज मैं यूनिमैक्स प्रोवाइड करा रही हूँ, नेक्स्ट में आपको एक्यूरेट प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम व्हाट्सअप इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। तो ये बच्चों आपका यूनिमैक्स क्विकी सैम्पल पेपर 2024 का। सबसे पहले इसमें बोर्ड का सैम्पल पेपर दिया हुआ है फुल सॉल्व, तो इसकी मैं ऑलरेडी बहुत बार वीडियो बना चुकी हूँ इसके सैम्पल पेपर की सॉल्यूशन की, तो आप एक बार वहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है। नहीं तो अगर आपने वो देखी हुई हो तो ये इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो ये भी धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, तो आप इसके जो है MCQ इसके आंसर्स भी यहाँ फिल हैं, तो आप इसको सबसे पहले देख लो, ठीक है। वैसे ऑलरेडी मैं थोड़े दिन पहले इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैं फटाफट इसको स्क्रॉल कर रही हूँ। आपको लगता है मैंने जल्दी स्क्रॉल कर दिया है, तो आप वीडियो पॉज करके और इस सैम्पल पेपर को, ये बोर्ड का सैम्पल पेपर है, तो चाहे एक्यूरेट हो, चाहे बुलेट हो या फिर यूनिमैक्स हो, सभी में ये सेम सैम्पल पेपर है। बस ये कि सॉल्यूशन सभी में आंसर्स जो है क्वेश्चन के वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, और अगर आपने इसको पहले ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है तो आप वही आंसर करना। तो ये हमारा जो है बोर्ड का सारा सैम्पल पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ, सारा बोर्ड का सैम्पल पेपर है, ठीक है। अब इसके बाद जो है बच्चों, ये मैप वर्क भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड कर रखा, आप उसको देख लेना, ठीक है। फर्स्ट सैम्पल पेपर यूनिमैक्स का, ठीक है। तो ये फर्स्ट सैम्पल पेपर देखो, यहाँ पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हैं, तो आप यहाँ से ये चेकआउट कर लो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इसकी PDF मैं जल्दी से जल्दी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। यहाँ पर पार्ट भी ब्लैंक्स इसमें सॉल्व है, उसके बाद ट्रू फॉल्स भी सारे सॉल्व है, 1 मार्क्स सारे सैम्पल पेपर सॉल्व हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स तो आपने जो पढ़ा होगा वही करना है। वैसे मैंने ऑलरेडी जो है लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाले हुए थे, उनमें ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर उसको आपने किया होगा तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा सारे पढ़े हुए। आगे सोर्सेस बेस्ड क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चन, ये मैप वर्क, नेक्स्ट सैम्पल पेपर नंबर 2, इसके शॉर्ट वर्क। आपको लगता है मैंने वीडियो जल्दी स्क्रॉल कर दी, तो आप वीडियो को पॉज करो और उसको पढ़ो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितनी देर में पढ़ो तो इसको वीडियो को फिर आगे बढ़ा लो, ठीक है। ये सारा देखो, सारे MCQ सॉल्व है, उसके बाद ये सारे फिलअप्स और ट्रू फॉल्स, एंड उसके बाद, इसके बाद 1 वर्ड क्वेश्चंस, उसके बाद ये आ गए आपके 3-3 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चंस, ये आ गए 5-5 मार्क्स, एंड उसके बाद आपका सोर्सेस बेस्ड हो गया ये, देन मैप वर्क, ठीक है। आगे सैम्पल पेपर नंबर 3 देखते हैं, सेम, सबसे पहले शॉर्ट वर्क सारा सॉल्व किया हुआ है, तो इसको मैं आगे स्क्रॉल कर रही हूँ, ये सारा शॉर्ट वर्क। आपको लगता है मैंने जल्दी स्क्रॉल कर दिया, वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। पार्ट B फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स सॉल्व किया हुआ, उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, उसके बाद सोर्सेज बेस्ड क्वेश्चंस, उसके बाद आपका मैप वर्क। नेक्स्ट सैम्पल पेपर नंबर 4, सेम प्रोसेस। अब मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप चेकआउट करो। नेक्स्ट डे हमारा 5th एंड लास्ट सैम्पल पेपर,
ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो आपके लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।